अध्यात्म रामायण अरण्य कांड पंचम सर्ग शूर्पणखा को दंड खर आदि राक्षसों का वध और शूर्पणखा का रावण के पास जाना। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, उस समय उस घोर वन में जन स्थान की रहने वाली एक महाबलवती इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी घूमा करती थी। एक दिन पंचवटी के पास गौतमी नदी के तीर पर जगतपति श्री रामचंद्र जी के पद वज्र और अंकुश की रेखाओं से युक्त चरण चिन्हों को देखकर वह उनके सौंदर्य से मोहित होकर कामासक्त हुई। उन्हें देखती देखती धीरे धीरे रघुनाथ जी के आश्रम में चली आई। वहां आकर कामदेव के समान अति सुंदर लक्ष्मीपति श्री रामचंद्र जी को सीता के साथ बैठे देखकर वह कामातुरा राक्षसी रघुनाथ जी से बोली, तुम किसके पुत्र हो? तुम्हारा क्या नाम है? इस आश्रम में जटा वलकल आदि धारण कर क्यों रहते हो? यहाँ रहकर तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो? सो मुझे बताओ। मैं राक्षसराज महात्मा रावण की बहन कामरूपिणी राक्षसी शूर्पणखा हूँ। मैं अपने भाई खर के साथ इसी वन में रहती हूँ। राजा ने मुझे इस संपूर्ण वन का अधिकार सौंप दिया है, अतः मैं मुनियों को खाती हुई यहाँ रहती हूँ। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे विषय में जानना चाहती हूँ, अतः तुम मुझे अपना नाम धाम आदि बताओ। तब भगवान ने उससे कहा, मैं अयोध्यापति राजा दशरथ का राम नामक पुत्र हूँ। यह सुंदरी मेरी भार्या जनक नंदिनी सीता है तथा वह अति सुंदर कुमार मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। हे त्रिभुवन सुंदरी, बताओ मैं तुम्हारा क्या कार्य करूं? श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर कामातुरा शूर्पणखा बोली, राम चलो किसी गिरे गुहा में चलकर मेरे साथ आनंद करो। इस समय मैं कामातुरा हूं, अतः आप कमल नयन को छोड़ नहीं सकती। तब रामचंद्र जी ने नेत्रों से सीता की ओर संकेत करके मुस्कुराकर कहा, हे सुंदरी, मेरी तो यह भार्या मौजूद है जिसको त्यागना असंभव है। इसके रहते हुए तुम जन्म भर सौत की डाह से जलती हुई किस प्रकार रह सकोगी? बाहर मेरा अत्यंत सुंदर छोटा भाई लक्ष्मण विराजमान है। वह तुम्हारा योग्य पति होगा। तुम उसी के साथ वन पर्वत आदि में विहार करो। रामचंद्र जी के इस प्रकार कहने पर काम से मोहिता भयंकरी शूर्पणखा ने लक्ष्मण जी से जाकर कहा, हे सुंदर, अपने भाई की आज्ञा मानकर तुम मेरे पति हो जाओ। आज हम और तुम परस्पर संगम करेंगे, देरी न करें। उस राक्षसी ने जब लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहा, तब वे उससे बोले, साध्वी, मैं तो उन बुद्धिमान भगवान राम का दास हूँ। मुझे अपना पति बनाने से तुम्हें भी उनकी दासी बनना पड़ेगा। तुम्हारे लिए इससे अधिक दुख की और क्या बात होगी? तुम्हारा कल्याण हो, तुम उन्हीं के पास जाओ। वे महाराज सबके स्वामी हैं। यह सुनकर वह दुष्ट चित्ता राक्षसी फिर रघुनाथ जी के पास आई और क्रोधपूर्वक बोली, हे राम, तुम बड़े चंचल चित्त हो, मुझे क्यों इधर उधर घुमा रहे हो? मैं अभी तुम्हारे सामने ही इस सीता को खाई जाती हूँ। ऐसा कहे वह विकट रूप धारण कर जानकी जी की ओर दौड़ी। तब लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी की आज्ञा से उसे पकड़कर बड़ी फुर्ती से खड़ग लेकर उसके नाक कान काट डाले। तदनंतर वह घोर शब्द करती हुई रुधिर में लथपथ हो बड़ी शीघ्रता से जाकर रोती और कठोर शब्द करती खर के सामने गिर पड़ी। उसे देखकर तीक्ष्ण ध्वनि वाले खर ने कहा, यह क्या बात है? अरे, मृत्यु के मुख में जाने वाले किस दुष्ट ने तेरी यह दशा की है? तू बतला तो सही, वह काल के समान भी बलि क्यों ना हो, मैं उसे क्षण भर में ही मार डालूंगा। तब राक्षसी शूर्पणखा ने उससे कहा, यहाँ सीता और लक्ष्मण के सहित राम दंडकारण्य को निर्भय करता हुआ गोदावरी के तट पर रहता है। उसी की प्रेरणा से उसके भाई लक्ष्मण ने मेरी यह गति की है। यदि तुम बड़े कुलीन और वीर हो तो उन दोनों शत्रुओं को मार डालो। तुम उन दोनों मदोन्मत्तों को खा जाओ और मैं उन दोनों का रुधिर पीऊंगी, नहीं तो अपने प्राणों को छोड़कर यमलोक को चली जाऊंगी। शूर्पणखा का यह कथन सुनकर खर क्रोध से परिपूर्ण हो तुरंत युद्ध के लिए चला और राम को मारने के लिए उसने बड़े पराक्रमी 14 सहस्त्र राक्षसों उनके पास भेजे।
खर, दूषण और तीसरा, ये सभी नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर राम के पास आए। उनका कोलाहल सुन श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण देखो बड़ा कोलाहल सुनाई पड़ रहा है, मालूम होता है निश्चय ही राक्षसगण आ रहे हैं। अवश्य ही आज मेरे साथ उनका घोर युद्ध होगा, अतः हे महाबल तुम सीता को लेकर किसी पर्वत की कंदरा में चले जाओ। आज मैं इन समस्त घोर रूप राक्षसों का वध करना चाहता हूँ, तुम्हें मेरी सौगंध है, इस विषय में तुम और कुछ न कहना। तब लक्ष्मण जी जो आज्ञा कह सीता जी को लेकर एक गिर गुहा में चले गए। तब श्री रामचंद्र जी ने अपनी कमर कसी और कठोर धनुष तथा दो अक्षय बाण वाले तरकस बांधकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। तदनंतर राक्षसगण वहां आकर राम के ऊपर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र पत्थर और वृक्ष आदि की वर्षा करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने एक क्षण मात्र में लीला से ही उन अस्त्र शस्त्र आदि को तिल तिल करके काट डाला। फिर सहस्त्रों बाणों से उन संपूर्ण राक्षसों को मारकर खर, दूषण और तीसरा को भी मार डाला। इस प्रकार रघुवंशियों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने आधे पहर में ही उन समस्त राक्षसों का संहार कर दिया। तब लक्ष्मण जी ने गुहा में से सीता जी को लाकर श्री रघुनाथ जी को सौंप दिया। उस समय संपूर्ण राक्षसों को मरे हुए देख वे बड़े विस्मित हुए। जनक नंदिनी श्री सीता जी ने प्रसन्न मुख से श्री रामचंद्र जी का आलिंगन किया और उनके शरीर में हुए शस्त्र के घावों पर हाथ फेरने लगीं। उन संपूर्ण श्रेष्ठ राक्षसों को मरे देख राक्षसराज रावण की बहन शूर्पणखा दौड़ती हुई लंका में पहुँची और राजसभा में पहुंचकर रोती हुई रावण के पैरों के समीप पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपनी बहन को इस प्रकार भयभीत देखकर रावण बोला, अरे वत्से उठ खड़ी हो, बता तो सही तुझे किसने विरूपा किया है। हे वद्रे, यह इंद्र का काम है अथवा यम, वरुण और कुबेर में से किसी ने किया है, बता, एक क्षण में ही मैं उसे भस्म कर डालूँगा। तब राक्षसी शूर्पणखा ने उससे कहा, तुम बड़े ही प्रमादी और मूढ़ बुद्धि हो, तुम मद्यपान में आसक्त स्त्री के वशीभूत और सब विषयों में नपुंसक जैसे दिखाई पड़ते हो। तुम्हारे चार खुफिया पुलिस रूप नेत्र हैं, नेत्र नहीं हैं, फिर तुम राजा कैसे रह सकोगे। युद्ध में खर मारा गया और दूषण और तीसरा आदि 14 सहस्त्र मुख्य मुख्य राक्षसों को राक्षस शत्रु राम ने एक क्षण में ही मार डाला और सारे जन स्थान को मुनीश्वरों के लिए सर्वथा निर्भय कर दिया। इतना उत्पात हो जाने पर भी तुम्हें अभी तक कुछ पता ही नहीं है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुम मूढ़ हो। रावण बोला, अरे तू बता तो वह राम कौन है, किसने किस लिए और किस प्रकार इन राक्षसों को मारा, तू सब बात विस्तार पूर्वक कह, मैं उसका मूलोच्छेद कर डालूँगा। शूर्पणखा बोली, एक दिन जनस्थान से मैं गौतमी के किनारे जा रही थी, वहाँ पूर्व काल में मुनिजनों से सेवित एक पंचवटी नामक आश्रम है। उस आश्रम में मैंने जटा वल्कल आदि से सुशोभित धनुर्बाणधारी कमल नयन शोभाधाम राम को देखा। उसका छोटा भाई भी उसी के समान रूपवान है तथा उसकी विशाल लोचना भार्या भी रूप में साक्षात दूसरी लक्ष्मी जैसी ही है। हे राजन, देव, गंधर्व, नाग और मनुष्य आदि में से किसी की भी स्त्री ऐसी रूपवती न देखी है और न सुनी है। वह शुभ लक्षणा अपनी कांति से संपूर्ण वन को प्रकाशित कर रही थी। हे अनग, उसे तुम्हारी पत्नी बनाने के लिए मैंने लाने का प्रयत्न किया था, इसी से राम के भाई लक्ष्मण ने मेरी नाक कान काट दी। फिर राम की प्रेरणा से महाबली लक्ष्मण ने मेरे कान भी काट लिए। तब मैं अत्यंत दुख से रोती हुई खर के पास गई। उसने भी अपने राक्षस सेनापतियों के साथ तुरंत जाकर राम से युद्ध ठाना, किंतु उस बलशाली राम ने एक क्षण में ही वे समस्त भीम विक्रम राक्षस नष्ट कर दिए। हे प्रभो, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि यदि राम के मन में आ जाए तो वह निसंदेह आधे निमेश में ही संपूर्ण त्रिलोकी को भस्म कर सकता है, किंतु यदि उसकी स्त्री सीता तुम्हारी भार्या हो जाए तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। अतः ही राजेंद्र, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे संपूर्ण लोकों में एकमात्र सुंदरी कमल नयनी सीता तुम्हारी प्राण प्रिया हो जाए।
हे प्रभु, तुम राम के सामने साक्षात न ठहर सकोगे, इसलिए उन रहु श्रेष्ठ को किसी प्रकार माया जाल से मोहित कर तुम उसे प्राप्त कर सकते हो। यह सुनकर राक्षसराज रावण ने सुंदर वाक्यों और दान मान आदि से बहन सुपर्णखा को धैर्य बंधाकर अपने अंतःपुर में प्रवेश किया, किंतु वहाँ चिंता के कारण उसे रात्रि को नींद नहीं आई। वह सोचने लगा, बड़े आश्चर्य की बात है, अकेले मनुष्य मात्र रघुवंशी राम ने बल वीर्य और साहस संपन्न मेरे भाई खर को सेना के सहित कैसे मार डाला? अथवा यह राम मनुष्य नहीं है, साक्षात परमात्मा ने ही पूर्व काल में की हुई ब्रह्मा की प्रार्थना से मेरी सेना के सहित मुझे वानर सेनाओं से मारने के लिए समय रघुवंश में मनुष्य रूप से अवतार लिया है। यदि परमात्मा द्वारा मैं मारा गया तब तो मैं वैकुंठ का राज्य भोगूंगा, नहीं तो चिरकाल पर्यंत राक्षसों का राज्य तो भोगूंगा ही, इसलिए मैं अवश्य राम के पास चलूंगा। संपूर्ण राक्षसों के स्वामी रावण ने इस प्रकार विचार कर भगवान राम को साक्षात परमात्मा हरि जानकर यह निश्चय किया कि मैं विरोध बुद्धि से ही भगवान के पास जाऊंगा, क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान शीघ्र प्रसन्न नहीं हो सकते। अध्यात्म रामायण पंचम सर्ग समाप्त। जय श्री राम।